हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल शेयर के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जब से ये आप कह सकते हैं कि लिस्ट हुआ है, तब से आप कह सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैरान परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शेयर जो है वो अपने इशू प्राइस के काफ़ी नीचे कामकाज कर रहा है। कब शुरू होगा दोस्तों इस शेयर में अप ट्रेंड, क्योंकि दोस्तों एक दिन आई 7% की तेज़ी, उसके बाद अगर अपन देखें तो दो दिन में 6% की गिरावट शेयर ने करके दिखा दी है। मार्केट में तेज़ी थी, लेकिन स्टार्टिंग में स्टॉक ने तेज़ी करी, लेकिन फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे आता गया वैसे वैसे ये शेयर भी नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब क्या कल शेयर में होगी तेज़ी और क्या होंगे कल के टारगेट, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अपन देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टॉक आप कह सकते हैं खुलता है 515 पर, हाई लगाता है 517 का, एंड देन वहां से शेयर में आती है बिकवाली और शेयर लो लगाता है लगभग 430 का आई थिंक सो, 428 का आई थिंक सो, फिर वहां से आती है रिकवरी, शेयर हाई लगाता है 480 का, एंड फिर आप देखिए तो गिरावट बनती है जो 7% की रिकवरी एंड देन फिर 6% की गिरावट, तो इन ऑल ऑलमोस्ट 1% की तेजी स्टॉक में हुई है। बट अगर अपन देखें तो स्टॉक 450 का जो लेवल है उसको होल्ड करता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके नीचे ये शेयर नहीं जा रहा है। तो अगर आप बाइंग की इनिशिएशन करना चाहते हैं इस शेयर के अंदर, तो 450 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पर आप बाइंग करें और वहाँ से मुझे लगता है कि 480 तक का टारगेट आपको इस शेयर में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। एंड अब अगर बात करें दोस्तों स्टॉक के 52 हफ्तों के हाईस की, तो आप देख सकते हैं 518 का 52 हफ्तों का हाई है और शेयर का लो है 5421 का। तो डेफिनेटली दोस्तों लो से शेयर लगभग 30 ऊपर कामकाज कर रहा है और अपने हाईस से लगभग 11% ये शेयर नीचे कामकाज कर रहा है। तो ये एक कम्फर्ट देता है कि अभी शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, प्लस मार्केट अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पर है, यहाँ से डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और उस बाउंस बैक में मुझे लगता है कि ये शेयर आने वाले एक महीने के अंदर डेफिनेटली अपना जो इशू प्राइस है आई थिंक 545 का इशू प्राइस है, वहाँ से ऊपर डेफिनेटली जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अभी अगर ग्लोबल मार्केट्स की मैं बात कर लूँ, बार बार मैं बताता हूँ ग्लोबल मार्केट्स का, तो आप देख सकते हैं ग्लोबली मार्केट्स अभी गैप अप इंडिकेट कर रहे हैं, 15900 के आसपास निफ्टी है और अगर अपन निफ्टी की प्राइस देखें तो लगभग 15700 है, तो डेफिनेटली 200 पॉइंट्स का एक गैप अप ओपन SGX निफ्टी सजेस्ट कर रही है। और अगर कल स्टार्टिंग में सुबह सुबह SGX निफ्टी और आपको तेज़ी दिखाएगी तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी आपको तेज़ी मार्केट्स में होती हुई देखने को मिलेगी और रेनबो शेयर कल बूम करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अब अगर बात करें फ्राइडे के सेशन की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, ये शेयर जब लिस्ट हुआ था तो लगभग 10 से 15 मिलियन की वॉल्यूम थी और अभी जो वॉल्यूम का आंकड़ा है वो 6,31,000 पर पहुंच गया है। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई है वॉल्यूम बेसिस पर एंड डिलीवरी परसेंटेज में आपको काफ़ी बड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिला है। कुछ मेजर यही कारण है दोस्तों शेयर में गिरावट के, बाकी फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है और सभी इन्वेस्टर्स ने यही कहा था कि आप अगर लिस्टिंग गेन का लगा रहे तो काफ़ी रिस्क है एंड आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी आपको कमा कर दे सकती है। एंड अब अगर बात करें कंपनी के हाई की, तो आप देख सकते हैं 542 का आप कह सकते हैं कि स्टॉक का आप कह सकते हैं इशू प्राइस है एंड वहां तक स्टॉक नहीं पहुंचा है। एंड अगर बात कर ले दोस्तों स्टॉक के इंट्राडे के हाई की, तो 5474 का शेयर ने इंट्राडे में हाई लगाया है और वहां से शेयर गिरकर आप कह सकते हैं कि 455 पर आता हुआ देखने को मिला है। तो हाई से लगभग 5% की गिरावट आपको शेयर में देखने को मिली है। तो डेफिनेटली रेनबो चिल्ड्रंस ऐसा शेयर है जिसमें आपको इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स मिल सकते हैं। आपने देखा ही है कि ये शेयर लगभग आपको 420 का 480 तक जाता हुआ देखने को मिला है और वहाँ से अभी 450 पर आया है, तो एक काफ़ी अच्छा आपको मौका मिल रहा है। अगर 480 का जो लेवल है वो तोड़ देगा तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट आपको शेयर में आता हुआ देखने को मिलेगा एंड देन शेयर 500 की रेंज में डेफिनेटली जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अब अगर बात करें स्टॉक के रेजिस्टेंस की, तो आप देख सकते हैं 470, 480 एंड 490, ये सब कुछ रेजिस्टेंस है, 45 एंड 495 रेजिस्टेंस है। तो अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएंगे तो स्टॉक डायरेक्ट 520 की रेंज में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर अपन देखें तो 470 पर एक क्लोजिंग आ जाए, देन उसके बाद 485 का टारगेट एंड देन 495 का टारगेट, तो यहाँ से लगभग 10 से 15% की आपको तेज़ी मिनिमम टू मिनिमम अगले एक हफ्ते या फिर दो हफ्ते के अंदर
डेफिनेटली शेयर में आती हुई देखने को मिलेगी। और एक क्लोजिंग अगर 3% ऊपर के आगे शेयर में, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगे, प्लस पॉजिटिव क्लोजिंग आती हुई देखने को मिलेगी, तो उससे गारंटीड तौर पर स्टॉक में तेजी बनना तय है। एंड लोअर साइड पर अगर बात करें, तो लोअर साइड का जो सपोर्ट लेवल है वो क्लियर है, 446, 435 एंड 421। ये तीनों बहुत मेजर सपोर्ट है। इन तीनों के सपोर्ट के अगर स्टॉक बीच में आए तो डेफिनेटली खरीदारी करें। बट अगर शेयर 420 के नीचे फिसल जाता है तो मेरी यही सलाह कि एग्जिट ही करना चाहिए आपको ये शेयर। आई ऑल्सो गॉट दिस IPO एंड मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एंड आपने देखा है अभी जैसे कोरोना का बायोलॉजिकल सिचुएशन पूरे होल वर्ल्ड में आते हुए देखने को मिली, तो फार्मास्यूटिकल्स बढ़े, इससे आप अपने पोर्टफोलियो को आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव तौर पर भी रख सकते हैं। और फार्मा एज अ स्पेस आपको हमेशा लगभग 10-15% की ग्रोथ हर सालाना तौर पर मिनिमम टू मिनिमम देता है, और डेफिनेटली ये शेयर भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 10-15% की रिटर्न तो ऑन एन एवरेज सालाना तौर पर देता हुआ देखने को मिल ही जाएगा। एंड अब अगर बात करें कंपनी की वॉल्यूम की, तो आप देख सकते हैं 66 लाख से गिरकर वॉल्यूम हो गई है 7 लाख। डिलीवरी अगर अपन बात करें, तो अगर अपन बाकी IPO से कंपेयर करें तो डिलीवरी काफ़ी अच्छी है। कैंपस एक IPO निकल कर आया था जिसकी फर्स्ट दिन डिलीवरी थी लगभग 38%, और अभी जो डिलीवरी आई है वो लगभग 19% है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 10% का डिलीवरी का फॉल इसमें भी आता हुआ देखने को मिला है, बट डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, 30% से ऊपर की डिलीवरी है। एंड अगर एक दिन भी आप कह सकते हैं कि 3-4 मिलियन की वॉल्यूम इस शेयर में आ गई, तो डेफिनेटली एक तगड़ा ब्रेकआउट आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों कंपनी की मार्केट कैपिटल की, तो एक इकलौता ऐसा शेयर था जो फार्मास्यूटिकल्स में गिरावट में था। आप देख सकते हैं रेनबो चिल्ड्रन लगभग 456 पर क्लोजिंग दिया है। इसके आप कंपैरिजन में देखो तो एस्टर डीएम लगभग 5% की तेजी इसमें देखने को मिली है, विजया डायग्नोस्टिक लगभग 7% की तेजी इसमें देखने को मिली है। डेफिनेटली ये सारे शेयर्स काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है, और इसलिए अब इन सभी शेयर्स में आपको एक तगड़ा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अब अगर बात कर ले दोस्तों स्टॉक के चार्ट्स की, तो आप देख सकते हैं दोस्तों शेयर 520 से गिरकर 420 गया, रिकवरी आई एंड फिर कंसोलिडेशन आया, तो ये एक काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि शेयर कंसोलिडेशन का मूड अपना रहा है। और इस कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो 480 के ऊपर आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 480 के ऊपर ये शेयर निकलता है तो 520 पहला टारगेट, 540 दूसरा टारगेट। तो डेफिनेटली दोस्तों इंट्राडे बेसिस पर ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ज भी क्लियरली एक दर्शा रहे कि 480 अब इस स्टॉक के लिए एक आप कह सकते कि रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर अगर शेयर निकलेगा तो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल शेयर में आता हुआ देखने को मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलेगा, और देन स्टॉक आपको अपने इशू प्राइस के भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इंट्राडे की अगर स्ट्रैटेजी की अगर बात कर ले, तो दोस्तों आप देख सकते हैं एंड में एक अच्छी रिकवरी शेयर ने दिखाई है यहाँ से यहाँ, तो डेफिनेटली रिकवरी कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। तो CMP पर आपको बाइंग करनी होगी इस शेयर के अंदर, और इंट्राडे के अंदर 468 से 476 तक का टारगेट आपको रेनबो चिल्ड्रन शेयर में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। बट अगर स्टॉप लॉस की मैं अगर बात कर लूँ तो दोस्तों 448 एंड 446 अब ये स्टॉप लॉस का काम करेंगे। अगर उसके नीचे शेयर फिसलता है तो गिरावट जो है इंट्राडे के अंदर 430 तक भी जा सकती है। लॉन्ग टर्म मेरा पॉजिटिव व्यू है स्टॉक के अंदर, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में ये शेयर दिखा सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।